नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमृता द्विवेदी। मेरे किचन में आपको स्वागत है। दोस्तों, आज आप यहां पे कच्चे केले से पकौड़ी बनाना सीखेंगे। कच्चे केले की पकौड़ी बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत जल्द तैयार हो जाती है। इसे बनाने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हों वो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए, तो आज हम आपको नाश्ते में केला की पकौड़ी बनाना बताते हैं। कच्चे केले की पकौड़ी आप कैसे बनाएंगे, आप यहाँ पे देखेंगे। दो कच्चा केला मैंने ले लिया है, इसे अच्छे से धुल लिया है। इसका छिलका हम उतार लेंगे, उसके बाद हम इसे कट करेंगे। केला आप अपने अनुसार इस्तेमाल करेंगे, जितनी आपकी आवश्यकता हो। देखेंगे इस तरीके से मैंने कट लगा दिया है चाकू से। इसी तरीके से आप कट लगा देंगे, उसके बाद आप छिलका उतार देंगे इस तरीके से निकाल के। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से मैंने छिलका उतार लिया है। अब हम इसे बीच से कट कर देंगे ऐसे, क्योंकि ये बड़ा साइज का केला है तो इसे बीच से कट कर लेंगे। और इसे लंबे साइज में कट करेंगे पकौड़ी बनाने के लिए। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस तरीके से मैंने कट कर लिया। इसी तरीके से आप कट कर लेंगे इसी साइज में। अब आप यहाँ पे देखेंगे दो कटोरी मैंने बेसन ले लिया है। बेसन अब फेटेंगे। सबसे पहले इसमें आधी कटोरी चावल का आटा मिक्स कर लेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट है, इसे भी मिला लेंगे। अमचूर पाउडर मैंने एक चम्मच ले लिया है। छोटे चम्मच से एक चम्मच हल्दी पाउडर। दरदरा किया हुआ लाल मिर्च है, इसे भी डाल देंगे। अजवाइन है छोटे चम्मच से आधा चम्मच, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। स्वादानुसार नमक डाल देंगे। मैंने सेंधा नमक लिया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी डाल के अच्छे से फेंट लेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे बहुत ही अच्छे से फेंट गया है। इस तरीके से आप फेंट लेंगे, इतना ही गाढ़ा करेंगे, इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे। अब हम पकौड़ी बनाना शुरू करेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे कढ़ाई में मैंने तेल ले लिया है। तेल भी हमारा गर्म हो गया है। अब हम केले को डिप करेंगे। इसी तरीके से डाल देंगे सारा। गैस को बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करेंगे। अब हम इसे पलट देंगे। गैस का फ्लेम कम ही रखेंगे ताकि अच्छे से केले की पकौड़ी हमारी अच्छे से पक जाए। अब आप यहाँ पे देखेंगे पकौड़ी हमारी अच्छे से पक गई है, कलर भी एकदम चेंज हो गया है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इस
इसी तरीके से आप तल लेंगे। अगर आप पकौड़े के साथ तीखी चटनी खाना पसंद करते हैं तो चटनी कैसे बनाएंगे आप यहाँ पर देखेंगे। हरी धनिया का पत्ता मैंने ले लिया है, दो मिर्चा ले लिया है, इस तरीके से कट करके दो टुकड़ा मैंने अदरक ले लिया है, स्वादानुसार नमक डाल देंगे, ये बूंदी है 3 से 4 चम्मच मैंने ले लिया था, इसे भी मिक्स कर देंगे, थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब हम इसे अच्छे से पीस लेंगे। अब आप यहाँ पे देखेंगे चटनी को मैंने पीस लिया, इस तरीके से आप धनिया की चटनी बना लेंगे, बहुत ही स्वादिष्ट बनती है इस तरीके से अगर आप बनाते हैं। हल्का सा हम इसमें नींबू का रस गार देंगे। इस तरीके से आप नींबू का रस निचोड़ देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसे कटोरी में निकाल लेंगे। इस तरीके से आप कच्चे केले से पकौड़ी बना सकते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है और बहुत ही स्वादिष्ट भी होती है। इस तरीके से आप झटपट तैयार कर सकते हैं। आप इसे हरी चटनी के साथ सर्व करें। अगर आपको तीखी चटनी नहीं पसंद है तो आप इसे सॉस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।